सीधे रोहतक का रुख करते हैं। संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ केसी बांगड़ जी इस वक्त मौजूद है। संजय, जरा उनका रिएक्शन ले लीजिए, तारीखें आ चुकी हैं अब। हाँ बिल्कुल साकेत जी, देखिए आचार संहिता लगने के बाद केसी बांगड़ जी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अभी उनसे बात करते हैं, क्योंकि केसी बांगड़ जी जिस तरह से जेजेपी की क्या रणनीति रही, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, कुछ जो है कैंडिडेटों की घोषणा भी आपने कर दी है, किस तरह की रणनीति रही? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सही समय पर चुनाव घोषित करने का काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन इन चुनाव को संपन्न कराने का काम करेगा। पहले महासचिव, कल फिर 22 दिसंबर को रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में जननायक चौधरी देवीलाल जी के 106वें जन्मदिवस के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोग और चौधरी देवीलाल के समर्थक दूसरे प्रदेशों से भी आकर के यहाँ अपने श्रद्धा सुमन चौधरी देवीलाल को अर्पित करने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल पूरे प्रदेश के किसान कमेरे के मसीहा थे और हर साल उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार ये जयंती रोहतक की इस पावन धरा के ऊपर मनाने का काम जननायक जनता पार्टी 22 दिसंबर को कर रही है, और उसमें हरियाणा प्रदेश के लोग इस ग्राउंड के ऊपर, जिस पर दो रैलियां पहले हो चुकी हैं, 18 अगस्त को माननीय हुड्डा साहब के और 22-8 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, तीनों रैलियां एक ही ग्राउंड पर होना एक महीने के अंतराल के बाद, इस बात को प्रेस के लोग भी देखेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोग भी तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि तीनों रैलियों में सबसे बढ़िया रैली किसकी थी। लेकिन सर, बीजेपी के जो अब बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि 75 पार, अब की बार 75 पार को कैसे रोक पाएंगे? ये एक सप्ताह पहले का उनका आकलन था 75 पार का। बीजेपी हर सप्ताह अपना आकलन करा रही है, प्रदेश में सर्वे करा रही है, उनका जो लेटेस्ट सर्वे है उसको 75 पार भूल करके वो इस नारे के ऊपर आ गए किसी तरह सरकार बनाई जाए। लेकिन वो दूसरी पार्टियों पे तो एक हमला बोल रहे हैं कि उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले आचार संहिता लगने से 10 दिन पहले 7 कैंडिडेट की पहली लिस्ट हम जारी कर चुके हैं, और अभी 22 तारीख को रैली करने के तुरंत बाद हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी 23 तारीख को, और दूसरी लिस्ट हम सबसे पहले दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी कर देंगे, और जो 27 तारीख से जब चुनाव की प्रक्रिया नॉमिनेशन शुरू होगी उस टाइम तक जननायक जनता पार्टी सबसे पहले 90 की 90 सीटें डिक्लेयर करने का काम करेंगे। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा अब की बार, क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा? हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं। प्रदेश की जनता में आज तराई तराई मची हुई है, ना प्रदेश में बिजली है ना पानी है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान कर्जदार होता जा रहा है, प्रदेश के ऊपर 1.5 लाख करोड़ का कर्जा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा चढ़ा चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश का हर नौजवान, हर वो बच्चा जो आज हरियाणा प्रदेश में जन्म ले रहा है, वो 60,000 रुपए का कर्ज लेकर के आज हरियाणा प्रदेश में जन्म ले रहा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में तराई तराई मची हुई है, रोज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पानी के कैनन का प्रकोप उनके ऊपर किया जा रहा है, जगह जगह मुख्यमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है, गृह मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।